स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। दिस इज दीपक वर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्लास एट्थ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में, और हमने लगातार इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया है। अब हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या क्या आ रहा है ना, हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन है आपका, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ऐसा फील्ड खरीदना चाहता है, यानी खेत खरीदना चाहता है जो किस शेप का है, ट्रेपीजियम के शेप का है, ठीक। इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो इसकी एक ऐसी साइड जो किससे मिलती है, रिवर से मिलती है, यानी कि यहां पर ये आपका ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है और ये आपका रोड है और ये क्या है, रिवर है। इसकी जो रिवर वाली साइड है, इसकी जो रिवर यानी कि जो ऐसी साइड जो इसकी रिवर से टच करती है, ठीक, इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब जो इसकी रिवर को साइड टच करने वाली साइड है, वो रोड को टच करने वाली साइड के पैरेलल है और इस रोड के टच करने वाली साइड के दुगुनी भी है, ट्वाइस भी है, दोगुना भी है, ठीक। फिर उसके बाद, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, यदि इस फील्ड का एरिया जो है वो 10,500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, और जो ये दोनों साइड हैं इस फील्ड की, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है, क्लियर। फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, हमें उस साइड की लेंथ को फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को हमें निकालना है जो साइड इस नदी से मिलती है, क्लियर। तो आइए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब कह रहा है कि इसकी जो ऐसी साइड जो रिवर से लगती है, वो रिवर वाली साइड रोड वाली साइड की दोगुनी है, कितनी गुनी है, दोगुनी है। तो हमें सबसे पहले ये साइड पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो ऐसी साइड जो रोड से लगती है, वो साइड क्या है, कुछ भी हम इसको मान लेते हैं। लेट द साइड along the road, ठीक। इसके ऐसी साइड जो किससे लगती है, रोड से लगती है, किससे लगती है, रोड से, उसको हम मान लेते हैं कितना, वो एक्स मीटर है, कितने मीटर है, एक्स मीटर है, क्लियर। अब जब ये वाली साइड एक्स मीटर है, तो ये वाली जो साइड है, मतलब फिर इसकी जो ऐसी साइड जो रिवर से लगती है, ये एक्स वाली साइड का दोगुना है। तो यानी कि जब ये एक्स है और ये वाली एक्स इसका दोगुना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपकी ऐसी साइड जो रिवर से लगती है, वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x। तो साइड अलोंग द रिवर, ट्वाइस ऑफ साइड अलोंग द रोड, मतलब ये रोड वाली साइड का दोगुना है रिवर वाली साइड, क्लियर। तो यानी कि पहला हमने x माना, तो ये जो ये वाली साइड है ये इसका दोगुना है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, ठीक है। फिर अब आगे हम बात करते हैं, अब हमको इसका एरिया पता है, अब इसका जो ट्रेपीजियम होता है उसके एरिया का फार्मूला होता क्या है, हमने आपको कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि जो फील्ड है ये किस शेप के है, ट्रेपीजियम के शेप का है, तो यहाँ पर हमें ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा,
ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फार्मूला था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इस साइड का सम, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका एरिया निकल के आएगा, मतलब उनको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से, ठीक। अब देखिए हमें एरिया इसका ऑलरेडी पता है, तो एरिया जो है वो किसके इक्वल है, हाइट भी पता है और उसके बाद हमें ये दोनों पैरेलल साइड्स यानी तो पैरेलल साइड x है और 2x है, तो इसलिए हम इसका निकाल सकते हैं एरिया ना। एरिया जो है वो आपका 10,500 मीटर स्क्वायर के बराबर है और ये कितने हैं हाफ एरिया हमें दिया गया है, तो एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू रख देते हैं हाफ। अब a प्लस बी यानी जो पैरेलल साइड्स हैं वो x प्लस 2x है, तो यहां पर रख देंगे x प्लस 2x इनटू। अब यहाँ हाइट भी आपकी ऑलरेडी गिवन है और हाइट कितना है 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 100, क्लियर। अब हमें निकालना है ये हमें यही वाली रिवर साइड वाली साइड को हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ एक्स की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक्स की वैल्यू पहले निकालते हैं, 10,050 मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना जाएगा, ये 2 और 250, यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो गया, 3x into 50। अब ये इससे ये आपका ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ही जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 10,500 upon 50। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये 5 और 5 2 10 और कितना, ये फिर कितना हो जाएगा, फिर ये 5 5 कितना होगा 5 5। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, ये जीरो है तो ये आपका जीरो हो जाएगा, कितना हो गया आपका जीरो हो गया, ठीक है। यानी कि हम यहां पर इजिली हमने क्या निकाला, 3x इक्वल टू 210। आगे हम इसको देखते हैं, तो यहां ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 210 अपान 3, ये आपका 3 7 21, ये आपका 70 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 70 मीटर, कितनी आ गई x की वैल्यू हमारी कितनी है 70 मीटर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू यानी जो ऐसी साइड जो रोड से लगती है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, लेकिन हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, हमें चाहिए ऐसी साइड जो रिवर से लगती है ना, जो रिवर को टच करती है, तो रिवर को टच करने वाली कितनी है 2x है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू हमने निकाली 70, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 70 मीटर, ठीक। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 140 मीटर, यानी कि जो हमें एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए थी, यानी कि ये रिवर साइड वाली साइड चाहिए थी, तो हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली 140 मीटर। ये कौन सी वैल्यू है, द साइड along with the river is 140 मीटर, यह आपको क्या रहा आंसर, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा भी, यहाँ पर आपका फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपने इस एक्सरसाइज के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो
तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।